चोर बैठा होगा ना। विशु, कितना भी कोई आपको कुछ भी बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान रखना है, वहां पे बोलना है, ठीक है? अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार है। आपको क्या याद रखना है, आपको माइक पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ बोलना है। क्या करोगे? बोलोगे जो आप मम्मा ने आपको सिखाया है, ठीक है? खेला कूदी करना, पर एक चीज याद रखना और ध्यान रखना, मम्मा भी आ रही है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30, हम लोग उठ चुके हैं और शुगर रेडी करने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हैरी अभी सो रहे हैं, रात में आए थे, खाना वाना खाया, हम सो गए भाई, क्योंकि मॉर्निंग में एनर्जी की जरूरत थी। तो चलो अभी विशु को रेडी कर लेते हैं और देखते हैं विशु का क्या ही लुक निकल के आता है। हाय फायरमैन, कैसे लग रहे हो? थैंक यू। फायरमैन बोट में कब जाता है यार? कहाँ जाता है फायरमैन? आग बुझाने, ठीक है? बोल दो ओके। ओके ऐसे ओके। अब इसके साथ ब्लैक वो होते ना सॉक्स, और ब्लैक क्या, आज तो व्हाइट भी नहीं मिल रहे, आज क्यों मिलेंगे वो? आज तो घूमने गए होंगे। ये नया नए पेन निकाल के लाई हूँ, कौन सा बनाऊ? ब्लैक वाले बाहर और लाइनिंग वाले वो सूख रहे हैं, उनको दे दो, इससे अच्छा था। और क्या, ये बार बार मुझे बाहर भेज रहे हैं, बार बार डर लग रहा बाहर, ठंडा इतना हो रहा है, पता है डर भी लग रहा। ये वाले जब तक फायरमैन हमारा रेडी हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो ये थोड़े से भीगे हुए बादाम खा लेगा, मतलब 2 से 3 ही खाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो उसको मैं बादाम दे के आती हूँ। फायरमैन 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 लड़ाई। So guys, हमने अपना बेस्ट कर दिया है, अब अश्विक जी क्या कह रहे हैं? बेटा तेरा रह गया, वो सब दिखाने वो। आप अपना बेस्ट कर देना बेटा, करके आओगे? ठीक है, तो हमारा विशु ये सब बोलने वाला है एंड इसको मैं इसको बैग में रखने वाली हूँ। ये बार बार निकाल दे रहा है क्या? फायर ट्रक, चलो साइकिल से आता हूँ। बाइक से आ जा, तो एक काम कर जा, वो बाइक से लिया है फिर। सो गाइस, जस्ट अभी फोन आया है वैन वाले भैया का, ठीक है? हम शूट कर ही रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं बोला है आने के लिए, पेरेंट्स छोड़ेंगे बच्चों को, तो अभी मुझे फटाफट से रेडी होना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। हाँ जा विशु, पीछे आ जा। हाँ विशु पीछे जाओ, बोतल लग रही है इसलिए आप खराब हो जाएगा, बोतल फूट जाएगी, हमें बोतल को फोड़ना नहीं है। बाय फायरमैन बाय। सो गाइस, अभी क्या हुआ ना, मैं जा ही रही थी, फिर अश्विन जी ने बोला कि एक बच्चे के चक्कर में आप एरी की भी तबीयत खराब कर दोगे, गॉट टच के वो अभी तक ठीक है ना, तो हमने सोचा कि मैं रह लेती हूँ, क्योंकि जाना तो है ही अभी थोड़ी देर में, तो मैंने कहा मैं घर घर क्लीन करती हूँ। और आप देखो ना, माँ बाप अपना दर्द भूल के ना बच्चों के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो उनके बस की होती है। अश्विन जी की तबीयत खराब है, फिर भी वो ठंडे में चले गए, मैंने उनसे फटाफट से बोला कि आप सिवनरेस पहन लो, और मेरे काम तो ऐसे ऐसे रहते हैं ना, बस मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? हर हाउस वाइफ का हाल यही रहता होगा क्या गाइस? कल एक ही कमी थी ग्लव्स की, तो बच्चों वाले ग्लव्स नहीं थे, अश्मित जी के ग्लव्स थे। मैं इनको कब से ढूंढ रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिले, उनके लोगों के जाने के बाद मिले। अब अगर विशु की परफॉर्मेंस नहीं होती है तो मैं उसको ये पहना दूंगी, है ना? मेरे जाने के बाद अगर हो गई तो
तो बस आप देखो इस पे सारा सारा पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगा भी ले थोड़ा सा, ले दिखा। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ कुछ इस तरीके से। व्यांश की मम्मा रेडी और व्यांश का भाई रेडी। मेकअप करके नाश्ता ले आई हूँ, दूध चाय जैम अचार दवाई नाश्ता पानी घर क्लीन सब करते करते ओके है। बरहरी अभी रेडी हो गए हैं, मैंने कर दिए ऑयल लगाया उनको सिर पे, सोचा थोड़ी व्लॉगिंग कर देती हूँ। सो अपने हैरी को हमने काला बंदर बना दिया है, उसके पापा भी काले बंदर बन चुके हैं। हाय हैरी से हाय, स्टाइल है। थैंक यू तो बस पसंद आ गई है और यहाँ से हैरी कहीं नहीं जा रहे किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही मेहनत करो और खूब आगे तक जाओ। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा किया। तो कहीं पे आग लगे तो बता देना। तो हमारे विशु का लंच टाइम हो गया है, वो लंच करने गए हैं और हम बाहर हैं। हम सोच रहे हैं उसको साथ ही लेके चले गए। भाई बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है, बच्चों ने इतनी मेहनत करी है ना, दिखाई दे रही है। और मैंने आपको कुछ कुछ शेयर भी करी है, आप देखना है ना, वो बहुत है ना।
जितने पेरेंट्स ने करी है ना उससे कहीं ज़्यादा बच्चों ने करी है। तो अभी ना लंच टाइम हो रहा था, तो वैसे तो वैन आएगा उसका लेने के लिए, पर हम सोच रहे हैं हम अपने साथ ही लेके चले जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अब फायरमैन को हम लेके जा रहे हैं घर। फायरमैन बैठो गाड़ी में। एंटर है, आग कैसे बुझाई? और फायरमैन का भाई बैलून उड़ाते हुए। क्या हुआ, क्या खरीद रहे हो? देखो बाबू, सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे और वीडियो कॉल कर किसको, और यहाँ पे हमने विशु का हेलमेट उतार दिया है। विशु बहुत सुंदर लग रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे ये ड्रेस कहाँ से लिया है, कहाँ से परचेज किया है। तो मैंने कहा ये तो विशु का ड्रेस है जो कि मैंने उल्टा उल्टा पहनाया है मम्मा ने, है ना, ये हाथी वाला ड्रेस है विशु का और ये इसका ही है। उसके ऊपर से मैंने टेप लगा दिया। सो गाइस कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर 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 करना। बाय बाय।